पापा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का। कितने सारे बर्तन देख लो, बहुत सारे बर्तन है भैया धोने हैं। खाएंगे तो बर्तन भी तो धोने पड़ेंगे। अभी ये है, पहले इसको साफ करके यहाँ पे सारा स्पोस कर दो रखने के बर्तनों का, तब इसको कर दो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। यहाँ वंशिका से बातें करती जा रही हूँ, बर्तन धोती जा रही हूँ और बहुत जल्दी जल्दी काम समेटना है। आज मुझे गुजिया बनानी है। प्लान आज का नहीं था, कल का था बनाने का। फिर मैंने बोला वीडियो मेरा कब जाएगा, फिर मैंने सोचा नहीं जल्दी जल्दी करूँ। वीडियो में तो यही बोला है मैंने, मतलब 17 को बनाऊँगी। आज जब वीडियो एडिट कर रही हूँ पर फिर तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो फिर मैंने ये बर्तन धो के फटाक से मैं नहाऊंगी। नहाने के बाद ये थोड़ी बहुत मतलब सारी सब्जियां धो ली थी। ये बैंगन टमाटर थैले में ही रखे रह गए थे तो भूल गई थी, तो इनको धो के फिर जब तक मैंने इनको फ़ोन कर दिया था, ये मेरा जो भी गुजिया का सामान है वो लेके आए। मैं अभी आपको दिखा दूँगी। पानी टंकी मैंने इसलिए नहीं आ रहा, बाथरूम में खुला हुआ है, एक तरफ खुल जाता है तो एक तरफ पानी नहीं आता है। तो चलिए आप लोगों के साथ मैं गुजियां शेयर करती हूँ। पिछले साल की होली तो आपको याद होगी, गांव में बनाई थी। गांव में कितनी सारी गुजियां सबके साथ बनाई थी, यहाँ अकेले बनाना है। पर बनाना सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है मुझे, क्योंकि आपको पता है इनको मीठी चीज़ें बहुत पसंद हैं। स्कूल जा रही हो? बाय कर दो। बाय। ऐसे करो। कौन से स्कूल जा रही हो? कौन से स्कूल? मैच स्कूल। उसमें क्या होता है? हम प्रैक्टिस जीतते हैं। प्रैक्टिस? क्या प्रैक्टिस? मैंने कहा है प्रैक्टिस ही को। प्रैक्टिस ही को कैसे करके दिखाओ? कैसे? ऐसे बोला है। हाँ। और क्या बोला है? प्रैक्टिस करो तो ऐसे सीख जाओगे। डांस करके दिखाओ। मुझे तो घूमना आता है। घूम के दिखाओ। इधर 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 सीढ़ियों से गिर जाओगी, इधर आ जाओ इधर। हाँ, आप करके दिखा। अरे वाह, ये घूमना आता है। चलो बाय कर दो। गुजियों का सामान। क्या क्या है? क्या है इसमें? मावा। मावा, मावा। हाँ, ये क्या है? ये मैदा। अच्छा, ये कितनी मैदा है? आधा किलो को 4 पैकेट। 2 किलो। अच्छा, बूरा सूजी। अच्छा, सूजी एक ही पैकेट बहुत थी। चलो काम आ जाएगी। कुछ बूरा कम दिया उसने। कितना? एक पैकेट दिया है। एक पैकेट? चलो कोई नहीं, दो नहीं, दो का पैसे दे के आया मुझे। मैं दो के पैसे दे के आया? फिर लाए तो देखा नहीं, जाने गया मैंने। फिर आप जा रहे हो? तो बाद में चल जाना। हाँ, ये भी है। खोया दिखाती हूँ मैं आप सबको। सूजी आ गई है तो मैंने वो ज़्यादा मंगाया है खोया। रसगुल्ले बनाऊँगी और मीठी वाली गुजिया बनाऊँगी, वो शहद वो चाशनी वाली। ये देखो, रेडीमेड मंगा लिया है। हर बार तो घर पे ही बनाती हूँ, आप लोग देखते ही हो। फ्रिज में उठा के रख दूँगी। ये देखो, अच्छा है। हर बार घर पे बनाती हूँ, आप लोगों ने पिछला वाला देखा होगा, ससुराल वाला भी देखा होगा। कुछ भी बनाती हूँ घर पे ही बनाती हूँ। थोड़ा सा ये है, अभी इतना टाइम नहीं है तो घर का ही मंगा लिया है और अच्छे से बना के रखेंगे, आप लोगों को बताइए। क्योंकि ये चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं बनती हैं, तो इसीलिए जो भी सामान है सब कुछ आपके सामने है। खोया फ्रिज में रख देते हैं बर्तन में निकाल के, और इसे आज ही कढ़ाई में पिघला लूँगी और वैसे कर जैसे घर पे बनाते वैसे ही हो जाएगा। कितने रुपए किलो मिला है ये मुझे पता नहीं है, मैं बता ये आएंगे तो मैं बता दूँगी। तो यहाँ पे ये जो बूरा का पैकेट भूल गए थे वो लिया है, एक नारियल लेके आ गए हैं, और खोया को मैंने फ्रिज में रख दिया था, उसको निकाल के वो कर दे रही है। और फ्रिज मेरा खाली है क्योंकि सब्जियाँ ही हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, धो के साफ़ करके इसमें खोया कर देती हूँ। खोया को वैसे तो ऐसे भी डाल सकते पर नहीं, हम तो इसको गर्म करके जैसे घर का होता है ना उसी तरीके से इसको करेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा,
इसको छोड़ना नहीं है, इसको हिलाते रहना, नहीं तो ये जल जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से गैस को कम करके और इसे करती जाएंगे, इसको छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो जल जाएगा। ये होगा तब तक मैं बाकी का और काम देख लेती हूँ। यहाँ पे ये देखिए चाय पीते पीते ड्राई फ्रूट काट रहे हैं, नारियल घिस लिया, बादाम, काजू, किशमिश जो भी आपके सामने वो सब है। जितना आपको डालना है ये आपके ऊपर है, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, मेरे पास जितना था मैं उतना कर रही हूँ। ये इधर ये काट रहे हैं और इधर मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है और उधर मैंने पीले वाले चावल बनने के लिए रख दी, क्योंकि अभी रोटी भी बनाऊँगी, रात का समय हो गया है, रोटी भी बनाऊँगी और ये भी बनाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो फिर मैंने इन्हें बोला पीले चावल बना लेते, और सोना के लिए मैंने रोटी अलग बनाई थी क्योंकि वो नहीं सब खाएँगे। इसमें चाशनी में इलायची कूट के डालूंगी, इससे स्वाद बढ़ता है, और गुजिया में भी डालूंगी। ये देखिए इसको पकने देती हूँ, इसमें तार निकलने शुरू हो जाएंगे तब छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके की हो गई, इसे छोड़ देते इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो तब तक मैं अपना और काम देख लेती हूँ। जब तक जैसे दुकानों पे नहीं होती वैसी हो जाए तब। ये देखिए इधर मेरे चावल बन गए, खा लेते तब तक चाशनी और सब कुछ, और वो खोया वो ठंडा होगा, गरम गरम नहीं मिलाएंगे। ये देखिए पुलाव मेरे बन के रेडी हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, घी डाल के हमने सबने खाया। 7 या 7:30 का टाइम हो रहा था। ये चीज़ें रात में ही सही बनती है, और फिर दिन में बना ले पर कौन है मेरे साथ बनवाने वाला, हम दोनों हैं तो फिर आएंगे तभी ना। यहाँ पे ये देखिए खोया एकदम ठंडा हो गया है, इसको मैंने पंखे की हवा में रख दिया था। गरम गरम करेंगे तो गुजिया में इसमें बूरा मिलाएंगे तो ये गीला हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने सूजी भूंज ली, ज़्यादा नहीं, उसे ब्राउन नहीं करना, बस उसका कच्चापन निकालना। सूजी आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, क्योंकि सूजी डालने से थोड़ा सा ठीक मीठा रहता है, ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता। यहाँ पे ये कटोरे में मिलाने वाले थे, मैंने नहीं कटोरे में मत मिलाओ, इस परात में मिलाओ, आटे वाली में, बोल रहे थे नहीं मिल जाएगा, मैंने नहीं मिलेगा, फिर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो फिर उसमें कहाँ मिलेगा। अब आप सोच रहे हो सारा खोया क्यों नहीं डाला, क्योंकि मुझे रसगुल्ले बनाने हैं खोए के, तो इसीलिए। ये देख रहे थे काफ़ी अच्छे से ठंडा होने के बाद ही बूरा मिलाएं, ये देखिए कितने अच्छे से हो गया है। हम और ये सूजी भी ठंडी हो गई है, ठंडी करके मिलाई है, इस परात में पलट के इसमें अच्छे से इसको मिक्स करना है, गांठे गांठे सी ना रह जाएं। आप लोग बहुत टाइम से कह भी रहे थे गुजिया की रेसिपी शेयर करो, तो देखिए मैंने 1 किलो बूरा लिया, 1 किलो ही मैं मैदा को गूंदूंगी, और खोया मैंने 2 किलो था, 1 किलो को मतलब 1-1 किलो सब चीज़ ली है मैंने, और हमारा एकदम परफेक्ट था मीठा। आप लोग ज़्यादा खाते हो तो आप लोग बढ़ा सकते हो, हमने जिस हिसाब से खाया चेक कर लीजिएगा कि मीठा कितना, हमने चेक कर लिया था कितना मीठा हमें चाहिए, हमें कितना मीठा चाहिए उसके हिसाब से। और सूजी डालते तो सही रहता है, अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा वैसे सही नहीं रहता। आप लोग डालें तो ठीक है, नहीं डालें तो अवॉइड कर सकते हैं। इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इन्होंने बनाई थी, और यूपी में आपको पता ही है अब गुजिया के बिना तो होली हो ही नहीं सकती है। ये देखिए इसमें मैंने बोला था इनसे इसमें नहीं मिक्स होगी, पर ये मानते कहाँ हैं। और हाँ, इसमें मैंने इलायची डाल दी है कूट के, बताना भूल गई, अभी आपको बता रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ये देखिए, और खोया को ठंडा ज़रूर करिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से रखिएगा, ये देखिए इस तरीके से। और अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं इस तरीके से, सारे जो भी काटे थे मैंने आपको दिखाए थे, ये नारियल का बुरादा, ये घर में ही कसा था आपको नारियल, मैंने साबित दिखाया था, इन्होंने कसा था, मैंने नहीं कसा था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से, एक भी गांठ ना रह जाए, क्योंकि अगर गांठ रह गई ना तो जब हम गुजिया भरेंगे तो वो फट जाएंगी। और आप यकीन मानिए जब इसकी गुजिया बनाने का जो वो होता है ना, इतनी मुश्किल से मिला, रखे भूल गई थी। अच्छा, इधर मैं मैदा गूंद रही हूँ, इसमें मैंने घी डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि घी नहीं डालते तो वो सूखी सूखी सी हो जाती है, घी डालना ज़रूरी रहता है। तो इसमें घी डाल के इसको गूंद ले रही हूँ, और उधर वो मिक्स कर रहे हैं। इनमें काफ़ी टाइम लगता है, खाने में जितनी स्वाद है उतनी मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए हमारी मैदा गूंद गई, 1/2 किलो गूंदी है, 1/2 किलो मुझे और गूंदनी पड़ गई रात में, क्योंकि मैंने सोचा वो 1 किलो का पैकेट, 1/2 किलो का, क्योंकि अभी देखिए खोया 1/2 किलो, वो खोया 1 किलो लिया, बूरा 1 किलो लिया, या सूजी डाली, तो कितना 2.5-3 किलो हो गया ना, अंदाजे से बता रही हूँ। तो उसके लिए वो तो चाहिए, और देखिए मैंने खोया वो कितना बचाया था,
कमी बचाया। ये हमारा तैयार है। अब यहाँ पे ये देखिए बैठ के सारी तैयारी। खाट पे हमारे यहाँ ना गुजियों को थोड़ी देर रेस्ट कराते जो कि वो पच जाए, उनके अंदर जो हवा होती वो निकल जाए, तो जब हम सेकते हैं ना तो वो फूटती नहीं है। तो खाट पे मैंने बेडशीट धुली हुई बिछा दी है, बेल बेल के मतलब बना बना के खाट पे रखते जाएंगे, सारी बना के रख लेंगे, फिर जाके एक साथ सेक लेंगे। सेकने में कोई टाइम नहीं लगता है। ये देखिए इस तरीके से टिक्की बेल लेते हैं, पूरी पतली पतली बेलते हैं, मोटी मोटी नहीं रखते हैं। और वंशिका ने भी मदद कराई थी, सोना तो सो ही नहीं रही थी, वंशिका तो फिर थोड़ी देर बाद सो गई थी, हम दोनों ही लगे रहे थे। इस तरीके से मैं टिक्की बेलती गई। एक ही वो मशीन वो था सांचा, जिसे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, पर मिला ही नहीं, ढूंढते रहे पर बहुत दिक्कत हो गया था। तो वो देखिए इस तरीके से कटोरी में पानी ले लिया, थोड़ी सी मैदा डाल लिए जो उसकी साइड से इस तरीके से चिपकाएं जो कि गुजिया छूटे ना, पानी की सहायता से चिपकाते तो छूटती नहीं है। ये देखिए मैं टिक्की बेलती जा रही हूँ पतली पतली सी, और ये भरते जा रहे हैं। और पता है ये गुजियों में ये लफड़ा होता है, आटा ख़त्म नहीं होता। देखिए अभी इसको काटेंगे ये आटा दोबारा निकलाएं, यही बढ़ता जाता है, ऐसे लगता है बढ़ता है, कब ख़त्म होगा। तो वंशिका देखिए जो आटा पूड़ियों का निकल रहा है वो उसकी टिक्की बनाती जा रही है। देखिए ये इस मुझे बद दिखा रहे थे प्रीति, ये वाला ठीक नहीं है, इसकी साइडें निकल जाती, पर अभी इसी से बनाना है, पर बना लिया था। और मेरी गुजिया की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए इनको भर लेते हैं और खाट पे इनको सुलाते जाते हैं, सुलाना भी ज़रूरी होता है। वैसे तो बेलते जाओ सेकते जाओ ये भी कर सकते, पर नहीं ये नहीं सही रहता है। ये हाथ की गुजिया बनाई है जो कि मैं चाशनी की बनाऊंगी। इनको बहुत अच्छे से इनको गूना आता है, इसे गूना कहते हैं। देखिए इस तरीके से, इस तरीके मुझे नहीं आता, इनको आता है। ये देखिए इस तरीके से करके, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कैमरा दिखा रही हूँ, रात का समय है तो आप समझ ही सकते, फ़ोन मेरा ख़राब ही है। देखिए ये देखिए डिज़ाइन है, अच्छी लग रही है ना। अब एक और बनेगी ज़्यादा, ये इतनी तो काफ़ी ज़्यादा, इसके लिए चाशनी बनाई फिर ये बहुत सारी हो गई थी। ये देखिए और मैं आपको सारी दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने इनको सुला दिया है, मतलब रेस्ट करने के लिए छोड़ दी। अब इनको सेकेंगे जाके। कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है गर्म होने के लिए, उसमें तेल डाल दिया। ये देखिए ये बैठे हुए हैं और इतनी बनी है हमारी, और जो प्लेट में रखी है वो अलग है। तो ये देखिए यहाँ पे ये सेकने लग गए हैं, और हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं सेकते हैं यूपी में, मतलब समोसे की जैसे कराना नहीं करना। एक बार ना मेरी फ्रेंड ने बहुत मतलब ब्राउन कर दिया था, वो अच्छी नहीं लगती है। ये तो बस निकालो और तुरंत ही सिकने लग जाती है, और रखने के बाद ये और ब्राउन हो जाती है। तो ज़्यादा नहीं, आपके यहाँ पे अगर ज़्यादा ब्राउन करते आप कर सकते, हमारे यहाँ नहीं करते हैं। हम दोनों सेकने में लगे हुए हैं और तेल ज़्यादा दिया, और एक भी गुजिया हमारी फूटी नहीं थी। आपको तेल दिख रहा होगा एकदम से साफ़ है, एकदम से कुछ भी नहीं निकला है। और इधर मेरी चाशनी तैयार है। ये देखिए चाशनी को थोड़ा और इसे करेंगे एकदम से गाढ़ा गाढ़ा सा, एक बार इसमें से निकाल के दो बार चाशनी में डालूंगी। अभी तो हमारी ये बन रही है, इनको करते जाते और परात रख दिए, परात में रखेंगे और सुबह इनको किसी डब्बे में भरेंगे। अभी नहीं भरेंगे, गरम गरम फूट जाएंगी, इसीलिए हम दोनों लगे हैं, सब सो गए हैं। कैसा लग रहा है रात में काम करके? ऐसा काम करते तो अच्छा लगता है। कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, और हमारे यहाँ इनको ज़्यादा समोसे की जैसे करारी करारी नहीं करते, वो अच्छी भी नहीं लगती है। ऐसे ही हमारी रूटीन में बनती है, ज्यादा ब्राउन कर दो खराब हो जाती है और अच्छी नहीं लगती, करारी करारी वो नहीं अच्छी लगती है। बस उसमें थोड़ा सा ऐसे आए, बैक कैमरे से मैंने दिखाया और निकाल दो। बस सोना नहीं सोई है, वंशिका सो गई है मकान में, सब सो गए हैं। दिखाऊं और सुला ला ले आऊं मैं। अब चाशनी वाली बनानी है, मुश्किल नहीं आसान, मुश्किल नहीं नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। सब सो गए, हम जग रहे, वंशिका भी सो गई, सोना नहीं सो रही है, वंशिका भी सो गई। चलो तो फिर कर ली एक भी सेक ले, इतनी रह गई हैं। वो फूट नहीं था आराम से, और पहली बार में थोड़ी सी दिक्कत होती है, फूट जाती है, फिर नहीं फिर आपको आदत हो जाती है। ला रही हूँ, वो कॉपीराइट आ जाएगा।
तो ये चाशनी मैंने गर्म होने के लिए रख दी है और इसमें दो बार डालूंगी। अभी ये सेकेंगे और मैं इसमें डालती जाऊंगी, फिर इसको गर्म करके, ये देखिए अब इस वाले का नंबर आ गया है, सारी वो वाली सिक गई हैं और इस वाली में से इनको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, इनको ज़्यादा ब्राउन करते हैं ये देखिए इस तरीके से करके। और मैं फिर मैंने बोला नहीं थोड़ा सा और वैसे करेंगे, ये देखिए इस तरीके से ये हो गई ना, चाशनी लगा के ड्राई फ्रूट लगा दिए, पर मैं इनको एक बार चाशनी में और डुबाऊंगी, ये इनके ऊपर डाल रही क्योंकि ये अंदर से थोड़ा सा सुंदर दिखे, इसीलिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी इनको और भी ज़्यादा वो करेंगे, तार छूटने लग जाएंगे चाशनी को थोड़ी सी और गर्म करके। ये देखिए इधर ये दो तीर रह गई हैं, इनको भी अच्छे से कर लेना है। देखिए अच्छी लग रही है ना एकदम से, ये देखिए इसमें डाल दिया है और मुझे ये इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब इसको चाशनी को दोबारा से गर्म करके देखिए इस तरीके से मैंने दोबारा गर्म किया है और गुजिया को दोबारा डाला है, ये देखिए इस तरीके से देखो चाशनी कितने कैसे टपक रही है, इतना गाढ़ा करना तभी गुजिया पे ये चढ़ेगी, नहीं तो नहीं चढ़ेगी, दो बार में चढ़ती है एक बार में नहीं। तो फिर इनको सजा के फिर मैं दिखाती हूँ। वीडियो अच्छी लगे शेयर करिएगा अपने व्हाट्सअप पर, सभी की हेल्प हो पाए, और चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और गुजिया कैसी बनी ये कमेंट में बताइए। देखिए।